पुरजोर और तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा टाइगर ऑफ इमरान अली अमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इया का नाबुदो वइया का नस्तईन। मेरे यहाँ पे मौजूद तमाम मुअज्जिन बुजुर्ग भाई ख्वातीन व हजरात नौजवान और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इमरान खान के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वो एक शेर है कि तचप्पा बाप बांधे विलाड़ा वे ताचाता कतल, तचप्पा बाप बांधे विलाड़ा वे ताचाता कतल, खलक पा माँ पर नजर आऊ और माता तक कतल। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि लोग मेरा नज़ारा करते हैं, लेकिन मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ ये शेर कि मैं समझता हूँ कि ये जो शेर है कि तचप्पा बाप बांधे विलाड़ा वे ताचाता कतल, खलक पा माँ पर नजर आऊ और माता तक कतल। तो मैं हमेशा आप लोगों की तरफ देखता हूं इसलिए कि आप इमरान खान की ताकत है, आप पाकिस्तान की ताकत है, आप इस मुल्क की अवाम की ताकत है और आप इंशाल्लाह हकीकी आजादी की ताकत है। आज अलामा इकबाल की यौमे पैदाइश है, वो अलामा इकबाल जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। और वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब एक आजाद पाकिस्तान का था। और आज ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ, इस पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। याद रखो मेरे नौजवानों, याद रखो, कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं मिलती। हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क अगर हासिल किया है तो कुर्बानी दी है हमारे लिए। आज ये वक्त है कि इमरान खान की सरबराई में, इमरान खान की लीडरशिप में जो हकीकी आजादी हमने लेनी है, आज उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि बगैर कुर्बानी के ना हक मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना आजादी मिलेगी। तैयार हो, तैयार हो, पूरी कौम आपको देख रही है, पूरी कौम आपको देख रही है। आज वो वक्त है, आज वो वक्त है। इस पार्टी में जो अभी फैसला होता है उस फैसले का इख्तियार एक ही आदमी को है और वो कौन है? इमरान खान। और इमरान खान का दिया हुआ हर हुक्म, इमरान खान का दिया हुआ किया हुआ हर फैसला, हाथ उठा के हल्फ दो जो यहां भी मौजूद हो और जहां भी मौजूद हो कि हम अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे, लेकिन इमरान खान का किया हुआ हर फैसला का अमल दरामद करेंगे। उठाओ हाथ। मैं यहां पर इस हुकूमत को मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि आपने हमारे लोगों के साथ जो जुल्म किया हुआ है, आज हमारा लीडर जेल में है, हमारी ख्वातीन जेल में है, पंजाब में हमारे लोगों में के घरों में घुसकर तुमने जो चादर और चार दीवारी के ऊपर माल किया, याद रखो इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद अब बलूचिस्तान में जो वाकयात कल हुए, सिंध में जो हो रहा है, याद रखो ये जो बेगैरती, बुजदिली और रियासत के पुलिस को, रियासती इदारों को आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, ये उस जान तो जवाब दोगे लेकिन इस जान भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम ये जवाब लेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। आज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अपनी इससे नीलाम करनी है, अपनी गैरत तबाह करनी है, या लड़ना है और मरना है, क्योंकि अब हमारी इससे महफूज नहीं है। याद रखो
अगर मेरी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाओगे तो कल मैं तुम्हारी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाऊंगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। हमें हर एक को अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत पे गैरत खानी पड़ेगी, तब ही हम ये जंग जीत सकते हैं। हम इस तरह कि आज मेरे साथ हो रहा है और आप देखोगे तो कल जब आपके साथ होगा फिर मैं भी देखूंगा। कौम की ये सोच बन रही है, इस सोच से निकलना है, इस सोच से निकलना है। हम एक हैं, एक होकर निकलना है, एक होकर आगे बढ़ना है और अपना हक लिए बगैर चाहे जान भी चली जाए, अब चाहे जान भी चली जाए, अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। सारे सुन लो, मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं, गौर से सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो। मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं और आपकी वसासत से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुनने वालों को, जो भी सुनेंगे अभी आबाद में, उनको ये पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें काल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान काल देगा। और वो काल क्या होगी? वो काल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। इमरान खान सुन लो, ये तुम्हारी कौम, ये तुम्हारी आवाम तुम्हारी फाइनल काल की तारीख की इंतजार करेगी। 2 तारीख, चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे कब्रिस्तानों में चले जाएं, हाथ उठा के, सब हाथ उठा के हाथ दो, जो कहीं घर में बैठे हैं बाद में सुनते हैं, हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। तैयारी शुरू कर दो, बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। तुम्हारा लीडर तुम्हें पुकारेगा और जब वो पुकारेगा तो उसकी ललकार पे, उसकी पुकार पे हमने बताना है इस निजाम को कि खुदा की कसम दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारा हम वो हाल करेंगे। पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के तमाम वर्कर्स को आज इस जगह से मैं एक और पैगाम भी देना चाहता हूं जो जरूरी है आप लोगों के लिए, आप समझे इसको, आपके लिए समझना जरूरी है। ये जो आवाम है ये असल ताकत है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसी ताकत है। मैं जब तरीके इंसाफ में आया था, मैं जाप की बारिश ये कर रहा हूं कि आपके सामने खड़ा हूं, आपको एक मिसाल दे रहा हूं। जब मैं तरीके इंसाफ में आया था तो 4 साल तक तरीके इंसाफ में मेरे पास कोई ओहदा भी नहीं था, कोई ओहदा, हालांकि माशाल्लाह हमारे लाखों ओहदेदार होते हैं पूरे पाकिस्तान में। मैंने जब पार्टी इलेक्शन हुआ तो मैंने वो इलेक्शन लड़ा और उसमें मैं रीजन का सदर बना। मेरे साथ कई लोग मौजूद होंगे कि मैंने यहाँ पे जलसे अटेंड किए, यहाँ पे ऐसे मैं जलसे अटेंड करता था। पहला अहदा मुझे मिला इस पार्टी में जब जमहूरी इलेक्शन हुआ, जो हम फिर कराएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद वो सफर और ये सफर, ये आपके लिए एक मिसाल है, आपने यहां पर आना है। लेकिन मेहनत करके, हिम्मत करके, अपने आप को साबित करके, और अपने आप को साबित बातों से नहीं किया जाता। याद रखो, बातों से लोग साबित नहीं होते, अमल से साबित होते हैं, अमल से साबित होते हैं। ये पार्टी की तारीख और मिसाल है इमरान खान की कि आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो,
अपने आप को साबित करो तो हर ओहदा आपके लिए होगा। ये बैठे हैं बैरिस्टर गोवर, इस पार्टी का चेयरमैन, इससे अंदाजा लगा लो कि ये पार्टी मारूसी सियासत वाली नहीं है, ये पार्टी शरीफों और जरदारियों के खानदानों वाली नहीं है, ये आपकी पार्टी है, आप इसकी ताकत है, आपने बनाई है, आप ही इसको टेक ओवर करोगे। लेकिन मेहनत करके, साबित करके अपने आप को, मुझे यकीन है इंशाल्लाह एक कौम बनकर हमें साबित करेंगे। अब इमरान खान का पैगाम, सारे अब खड़े होके हाथ उठा के, खड़े होके हाथ उठा के यहां और वहां हल्फ दोगे इस बात का कि इमरान खान का जो पैगाम है हमने उस पर जो अमल दरामद कराना है वो कैसे करना है। उठाओ हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूं कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर, हम ये अहद करते हैं, हम ये अहद करते हैं हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी, और हम ये अहद करते हैं कि जब तक हमने तकबूर के पहाड़ को ना तोड़ा हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। तैयार हो, तैयार हो, लड़ोगे अपने हक के लिए, मरोगे अपने हक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान तेरे जान निसार, 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 इमरान तेरे जान निसार। इंशाल्लाह पश्तनों वार वो, पश्तनों वार वो, चैया बाखल सर माता हूं अया बदा तकबर वाला घर माता हूं मुश्ता लोवा दा लोवा खलू इंशाल्लाह तासो टोल जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार।